जो पेपर का नेचर था मॉडरेट, लेकिन दिल्ली से लेकर चेन्नई तक अगर देखा जाए तो 2 घंटे बाद ही सर्कुलेशन शुरू हो गया और भविष्यवाणी शुरू होगी वेरी हार्ड, लेकिन आपको क्या लगा? मॉडरेट लगा। तो मॉडरेट का मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ एक नेचर चलता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि 100 क्वेश्चन आपके पास हैं, इसमें क्या उत्तर होगा, किस लेवल से आपको जानना है और क्या है। तो जिन लोगों ने पेपर दिया, अगर आपने इवेल्युएट किया है इसको, तो जो पहले क्लास में आपसे बातें होती रही, जो बच्चे अभी नए हैं उनसे भी बातें होंगी इस क्लास के बाद, कि ज़्यादा जो बाजारीकरण आपके पास है, जो मैटर आपके पास है बाजार का, उस पर निर्भर मत हो। बेसिक बुक्स जो आपके पास है NCERT और जो करेंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जितने भी पार्ट करेंट अफेयर से रिलेटेड आ गए, उनको आप कैसे करोगे? तो जैसे हुआ कि मार्केट में सो मेनी टाइप्स ऑफ मैगजीन्स, यानी मैगजीन खूब हैं मोटी मोटी, इन पैसा भी इन्वेस्ट करते हो, टाइम भी करते हो और मिलता कुछ भी नहीं। तो आपको पहले से बता दिया कि योजना नंबर 1 कुरुक्षेत्र, देन उसके बाद कोई एक न्यूज़पेपर आप नेशनल लेवल पर स्टडी कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम वाला द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस भी ले सकता है, और दैनिक जागरण हिंदी माध्यम वाले दैनिक जागरण। अगर आपने ईमानदारी से जिन लोगों ने पेपर दिया या जो क्लासेज आपके साथ कराई गई थी, उस लेवल पर मुझे लगता है कि आपको कम से कम 75 क्वेश्चन करने चाहिए। एम राइट? कम से कम 75 क्वेश्चन। हिस्ट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको परेशान करे। जनरली मान लो कि अगर 15 क्वेश्चन है तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ज्योग्राफी, हाँ या ना? परेशानी हुई? नहीं हुई। हिस्ट्री में परेशानी नहीं हुई। जो इकोनॉमिकल इशू है उनमें कोई परेशानी? कोई नहीं हुई। लेकिन फिर भी UPSC आपको इतना ऑप्शन देता है वो खुद, कि 200 में कितना आपको मैक्सिमम ले जाना है, 105 110। अब देखो इन क्वेश्चंस में जिन लोगों ने किया, अगर पेपर ख़राब हुआ है, अच्छा हुआ, आप खुद इवेल्युएट करोगे किस लेवल पर हो। आपका इवेल्युएशन क्या होना चाहिए? अपने आप करो उसका स्वमूल्यांकन करें और देखें कि परिस्थिति क्या है, क्वेश्चन क्यों पूछे गए, किस प्रकार से। 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं, यानी 100 के 100 क्वेश्चन, सबसे पहले इस पेपर में ये देखना है कि क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो इसका कारण क्या था, क्योंकि सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है और क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 100, तो क्यों पूछे गए। बेसिकली करंट अफेयर से लेकर अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल इशू है या हिस्टोरिकल इशू है, ज्योग्राफिकल इशू, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी एंगल पर वो जो पेपर सेट करते हैं उनके दिमाग में था, क्योंकि वो चर्चा में थे और ट्रेंड दिखाई देते हैं। और UPSC हर वर्ष के बाद वो यू टर्न करती है। जैसे दिया गया कि कभी देखा गया कि करंट प्योर करंट अफेयर के क्वेश्चन 50+ हो गए, लोग कहते हैं। कभी हिस्ट्री पर एम्फेसाइज कर दिया, कभी पॉलिटी पर, कभी ज्योग्राफी पर, इस तरह से अलग अलग इश्यूज वो लेते हैं। लेकिन इस बार का पेपर लगभग बैलेंस्ड है। लगभग क्या बैलेंस है उसको आप देखो। अब जैसे जो आपको सीट दी गई है इसको आप ओपन कर लें, और ये शायद ए सीरीज है, सीरीज ए, फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इंग्लिश पेज नंबर ना देखना, इंग्लिश हिंदी को देखना अलग अलग, ठीक। पेज नंबर 1 पर आप देखो या 2 पर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 1 टेकन फ्रॉम हिस्ट्री इन मेडिवल इंडिया। लेकिन इनमें आप ध्यान से देखो, जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट, जो हिंदी में किया दिया है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते। उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। हाँ आ जाओ।
कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको और भी कई रिस्पांसिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती थी। सेकेंड, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। दो टर्म देखना, ऊपर वाला तो टोटली रॉन्ग है, सेकेंड में आपको कैसे करना है कि जो जमींदारों के राजस्व अधिकार थी वो अंशानुगत नहीं, हेरिडिटरी नहीं थी, ये गलत है। और जमींदार जो टर्म लिया गया यहाँ पर, ये अपने आप में क्या है, मेडिवल इंडिया में नहीं था। ये कहाँ था? जमींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। कॉन्सेप्ट बाय मींस ऑफ क्या था वो? परमानेंट सेटलमेंट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसका आंसर क्या हुआ? नीदर वन टू, न तो एक न तो दो। कितना निगेटिव अप्रोच है। जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसमें 90% स्टूडेंट क्या होता है, जो न्यू कमर होता है, वो सोचता है कि एक न एक तो सही होगा। तो ये आपको नहीं करना, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक नहीं होगा। और ये दोनों पैटर्न जो हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मेडिवल इंडिया एनसीईआरटी में आपको एज इट इज मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यानी स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस पर अक्सर क्लास में मैं बात करता हूं कि अगर भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर स्वतंत्रता के बाद भूमि का आवंटन एक्चुअल कर दिया गया होता व्यवहारिक स्तर पर, तो शायद भारत की कई समस्याएं नहीं होती। तो इसको आधार में रखते, उस कॉन्सेप्ट को आधार में रखते हुए जो बताया गया क्लास में, आपसे बातें होगी, इनफॉर्मली होती थी ये बातें, उस आधार पर कौन सा ऑप्शन आपके पास जा रहा है? देखो, एक्स बी क्या होगा आपको दिखाई देगा, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। क्यों? मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल लैंडलेस। तो जब यानी इसका मेन मकसद था टू इरेडिकेशन ऑफ सोशल डिस्पायरिटी, यानी जो सामाजिक विषमता उसको दूर करना। आप से कई बार मेरी बातें हुई, एज ए इंडियन, बीइंग एन इंडियन, आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? अब तो सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं आप। जो मैंने सेंटेंस अभी आपके साथ शेयर किया, इरेडिकेशन ऑफ द सोशल डिस्पैरिटी इन आवर सोसाइटी, सामाजिक विषमता। और जब आप बात करते हो अपनी, तो कई बार मैंने बोला कि हमारी शुरुआत किससे होती है? संविधान की उद्देशिका से। उसमें भी बात इक्वालिटी की गई, और इक्वालिटी जब होगी जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, और जेन्युइन रिसोर्सेज क्या है? लैंड है। और कई बार शेयर भी किया गया कि जो स्वतंत्रता के बाद जो लीडर्स थे उन्होंने बोला था कि इसका बंटवारा कर दिया जाए, उसके लिए लॉ बने, पॉलिसीज भी आई, लेकिन शायद हुआ या नहीं हुआ ये अब आगे वाली क्लास में देखेंगे, जो कि आपको इवैल्यूएट करना होगा। तो इसका उत्तर बिना रटे ये सीधे आपके पास आ गया, मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू द टू आर लैंडलेस। नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कई चीज आपको दिमाग में रखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब इस्टेब्लिश किया गया? 1971। मेन एम क्या था? इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। जितने
विश्व के राज्य या राष्ट्र है उनको क्या करना, हमें इम्प्रूव करना। अब इसी क्वेश्चन को अगर मेंस में हम लेंगे तो फिर अगर इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को इस्टेब्लिश किया गया 71 में, तो क्या वो अपना गोल अब तक अचीव कर लिया? नहीं किया तो क्यों नहीं, रेमेडी आप बताएंगे, बस यही चेंज करना है वहां पर। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813। क्लास में तो कई बार आपसे मेरी बातें हुई इस पर, करवाने को तो सर ने करवाया लेकिन बातें तो कई बार हुई ना, चाय चीनी कई बार बोला जाता था ना, इसमें कंफ्यूजन होता है, चाय और चीनी, यानी जो एक तरह से ट्रेड मोनोपोली थी उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? फर्स्ट वाली चीज हो गया, फर्स्ट जो हो गया डायरेक्ट आपको कराया गया, आपने किया, छोटी से छोटी किताब में अगर अच्छी है तो लिखा गया, लेकिन एक किताब काफी हिट है जिसमें ये नहीं है, नाम नहीं लिया जाएगा, राइटर को बुरा लगेगा, पब्लिकेशन को बुरा लग जाएगा, ठीक। तो इनको ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन आपको जैसे पकी हुई खिचड़ी वैसे दे दी गई। सेकेंड पॉइंट इसको देखो, क्या दिया, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर, मतलब स्ट्रेंथ कर, ये सही नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो 1858 के बाद होगा, ठीक। एंड थर्ड इज राइट, नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, कुछ और किया गया था 1813 चार्टर एक्ट जो आपसे रिलेटेड है, एनीवन? सिविल सर्विस है एंड अदर, 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया एजुकेशन के लिए। तो ऐसे अगर इस तरह इस लेवल पर काम करोगे ना तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज आल्सो राइट। फर्स्ट क्या है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया, बट हाउ, कैसे, हमने रिजेक्ट कर दिया। याद करें जब मुगल पीरियड में लगभग भी बताया गया कि नियर अबाउट 60% ट्रेड पर हमारा मोनोपोली थी, तो उसमें शिल्प एंड हैंडीक्राफ्ट का क्या था, बहुत बड़ा योगदान था। तो धीरे धीरे जब अंग्रेज आए यानी उपनिवेशवाद कॉलोनी का प्रभाव हुआ तो धीरे धीरे ये क्या हुए, समाप्त हो गए। कुछ स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स के भी इनके संदर्भ में जब विपिन चंद्र आप पढ़ोगे या एनसीईआरटी वहां पर दिया गया, तो जैसे हमने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्शन के बाद क्या हुआ, हमें पता चला कि हाँ हमें ग्रो करना है। तो इस तरह से जो छोटे हमारे उद्योग धंधे थे, जो घरेलू थे, उन पर क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होने लगा। देन स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, करेक्ट है, ये क्या है, फैक्ट है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, दोनों एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे और विपिन चंद्र में, ग्रोवर में, जिसको पढ़ो, दोनों ही स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। देन नेक्स्ट वन इज द मैचिंग मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर्स, ऑल इंडिया एंटी टचबिलिटी लीग एस्टेब्लिश बाय महात्मा गांधी 1932 के आसपास, 1932 में क्या हो गया था, ऐसा कुछ राउंड टेबल अंबेडकर साहब का जो कुछ परिवर्तन हुआ, देन इन्होंने पूना में क्या किया, आंदोलन किया, और जो हरिजन मूवमेंट चला उसके बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। एंड
सेकेंड इज अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद उसी समय लगभग 1936 के आसपास। इसके बाद आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट रामा स्वामी जी 1925 तो ऑल ऑप्शन इज आर करेक्ट। नेक्स्ट सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? चंदुड़ो है, कोटदीजी है, देसलपुर है, सोहगौरा नहीं है। एंड क्वेश्चन इज वेयर इज द सिच, यानी सोहगौरा कहां पर है? अशोक के समय, लेकिन सिचुएटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, नियर गोरखपुर। तो गोरखपुर ऐसे चर्चा में, मोदी योगी चलते हैं तो भाई समय सिनेरियो है। तो यहाँ पर एक प्लेट स्क्रिप्ट मिला ब्राह्मी और प्राकृत इन स्क्रिप्ट में, तो उसका इस पर है। तो ये एनसीएंट में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी पढ़े चाहे कुछ। नेक्स्ट एंशिएंट रायणो अशोक, राजा अशोक, अभी तक तो पयमपल्ली वगैरह तक बातें आप करते रहे कि इसमें ये मिला, इसमें ये मिला, ये कौन है? गुलबर्गा के पास एक है बुद्धिस्ट साइट है, वहां पर ये स्क्रिप्ट है। क्या नाम है? कंगनहल्ली। कहाँ? गुलबर्गा, कर्नाटक। देन कुछ क्वेश्चन आप बुद्धा से देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बुद्धिस्वा, इमेज वासिप एंड रिवर्सल, ये तीनों ही क्या हैं? सही हैं। फिर आ गया जिस पर काफी चर्चा हुई, इस क्वेश्चन को लेकर काफी लोगों ने शेयर किया, विस्टी फोस्ट लेवर, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आया है 1, इट वॉज कंसिडर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ये एक प्रकार का क्या था? टैक्स था, बलात था, जिसको क्या जाता है, बेगार भी होता था, लेकिन बेगार टर्म्स कई जगह इन्होंने लिया इसमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट किसके ऊपर डाइवर्ट हुए? इल्डेस सन लेबर्ड फोसेंट द फोर्स लेबर, ये गलत है। फोर्स लेबर वाज इंटाइटल्ड टू इक्लिवेजेस, ये नहीं हो सकता है, बी तो होना नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर जो आएगा इसका ए होगा। एक सही हो गया, चलो खुशी हुई। अब क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए? 11, ये तो रटा रटा है क्वेश्चन है। किस राज्य में कल्याण मंडल की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अविलक्षण था? तो विजयनगर, एंड विजयनगर डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड बाय हरिहर बुक्का इन 1336। ये तो कई बार बातें हो गई। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है मेडिवल इंडिया से, क्वेश्चन 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमिल, यही सही है, बाकी रॉन्ग है। तो ओनली 1। संत निम्बार्कार निम्बार्कचार्य अकबर के समकालीन थे? नहीं थे, क्योंकि ये 13 सेंचुरी में थे। वैष्णव संत थे, ठीक। एंड द संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित नहीं, नामानंद से थे, ये फंडामेंटल संत थे, किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होते थे। ये जो भी कहा बिना पढ़े, कबीर के विषय में जानते हैं? माता पिता का नाम क्या था?
जिन्होंने जन्म दिया उनका पता नहीं, जो पालने पोसने वाले थे नीरू और नीमा, जुलाहा थे वेवर इन बनारस, लहर तारा, लहर तारा एक तालाब है वहां ये पाए गए थे। जैसे हमारे यहाँ अभी चल रहा है कि बच्चा पैदा हुआ फेंक दो, इनको भी किसी ने फेंक दिया था। ये कहानी है, वह सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन ये क्या हुए, ग्रेट फिलोसोफर, कोई माने या ना माने, लेकिन जो इन्होंने बातें कही वो क्या है, सत्य है। तो नहीं थे तो न तो एक न तो दो। 14 क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी इन द इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, कभी नहीं हो सकते थे। इंडेक्स लेबर, इसका मतलब जानते हो गिरमिटिया, इसके कारण कई लोग प्रधानमंत्री बन गए, अजीब सी बातें हो गई। पहले क्या हुआ कि जब कॉलोनी रूल आया तो हमारे यहाँ के कुछ लोगों को फोर्सफुल्ली लेकर जाया गया, कहाँ, पैसिफिक आइलैंड्स में, जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह में भी लेके गए, पैसिफिक आइलैंड में, किसके लिए, फॉर द प्लांटेशन ऑफ शुगर केन, गन्ना की खेती के लिए ले जाया गया, और वो लोग जाकर वहाँ बस गए। तो बोलते हो ना त्रिनाड टोबैगो में हमारे यहाँ का राष्ट्रपति, फिजी में, तो यही लोग हैं, ये लोग गए वहाँ पर, वहाँ तो इसके सपोर्टर नहीं थे। लॉर्ड चेम्फोर्स, हाँ आ जाओ आ जाओ, लगा दरवाजे को लगा देना। लॉर्ड चेम्फोर्स की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने भी युद्ध के लिए भारतीयों की क्या लिखा, भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, यही है ना। एंड भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। क्या किया इसमें, बी, एक और तीन। अब इसके बाद 15 क्वेश्चन पर्सनालिटी हैं, एक और तीन होगा सही के बाद। पर्सनालिटी और उनकी पोस्ट है, पोजीशन है, तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, सही है। नियोगी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी नियोगी से केसी नियोगी, सही है। पीसी जोशी साहब, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, तीनों सही है। एंड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मेडिवल इंडिया की तरफ पूरे आपको डाइवर्ट करेंगे। क्या नाम है क्वेश्चन का, हाँ, मियां तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तानसेन पर तो काफी एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं अभी फिल्मों में, सॉरी टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, तानसेन जब गाते हैं तो बारिश हो जाती है, आग लगती है, ये कहानी सत्य है या नहीं, अभी बताऊंगा थोड़ा सा। तानसेन का जन्म 1506 में हुआ था, 1506। इनका ओरिजिनल नाम था तियूपाल, तियूपाल, और ये दूसरों को देखकर सीखते रहे। इनके विषय में कहानी है कि अकबर के समकालीन तो थे, कंटेम्प्रेरी, तो अकबर एक बार इनको बुलवाया और बोला कि राग कुछ गाने के लिए, कुछ अग्नि से संबंधित राग वगैरह था, तो उनको मना किया कि न करो, मतलब इस राग पर मुझे गाने के लिए न कहा जाने, तो आप परेशान हो जाओ। जब शुरू हुए तो जो अकबर का दरबार था उसमें आग लग गई, तो फिर इनकी बेटी को बुलाया गया, तानसेन की सरस्वती नाम था उनका। जब वो आई तो राग मेघ गाई, तो फिर बारिश हुई तो आग बुझ गई। ये कहानी है या सत्यता है अब तो, लेकिन जो है सो है। तो ये नौ रत्नों में से एक थी, उनके नौ रत्न थे, तो आठ कौन थे,
अबुल फजल थे, फैजी थे, ना हो तो लिख दो, तानसेन थे, बिरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल खाने खान और अजुद्दीन थे, और मुल्ला दो प्याजा थे। अच्छे अच्छे नाम है, मुल्ला दे पुआ दो प्याजा। दो प्याजा एक डिश भी होता है शायद, हाँ पनीर दो प्याजा, नहीं तो मुल्ला दो प्याजा थे, बहुत विद्वान थे, और फकीर अजुद्दीन थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, मानसिंह थे, टोडरमल जी थे और बिरबल थे, फैजी थे, अबुल फजल और साथ में तानसेन थे, तो इनके नौ रत्न थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेंटिंग से है, तो जहांगीर नंबर वन था उस समय, तो जहांगीर को ले लिया जाए। किसमें? तानसेन वाले में आंसर आपका आएगा, ये उल्टा सीधा पेपर दे दिया इन लोगों ने। नॉट, पहला वाला। हाँ क्या चीज? नहीं अकबर ने नहीं दी थी। थर्ड, तानसेन अपने सदस्यों संबंधित गानों की रचना की। हाँ नहीं तो ये उपाधि तानसेन अकबर ने दी भी नहीं थी इनको। हाँ वो गात संरक्षण के तो गाते नहीं थे। चलो इसको देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन तो देखा जाएगा। नहीं गाना तो गाया था ना, अभी बोल दिया ना, अकबर के लिए तो गाया, और संरक्षण में थे नहीं लेकिन बाद में आ गए थे शायद, तभी तो नवरत्न हो गए। नवरत्न कैसे होंगे? चलो नेक्स्ट ले लिया जाए। पेंटिंग से जो है इसमें जहांगीर होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी इन्वायरमेंट जोग्राफी, डी लगा लो इसमें। वैली ऑफ फ्लावर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ? उत्तराखंड। एंड 19 नंबर क्वेश्चन आपके हैं, नीति आयोग, सीधे क्वेश्चन है। एंड 20, तो ये तो किसी को गलत नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी गलतियां हुई हैं। अभी 21 जून आने वाला है, क्या होता है 21 जून को? समर सोलस्टिस होगा, उस दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होगा, 21 जून को। और इंटरनेशनल योग दिवस भी है जिसकी तैयारी चल रही है। और हाँ आओगे तो करवा देंगे 21 को ना। चलो तो ऑप्शन 20, 20 का क्या हुआ? ए ए 21, क्वेश्चन 21 फ्रॉम ज्योग्राफी या इकोनॉमी जिससे भी ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप प्लांट वॉज डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन टू द वर्ल्ड वर्ल्ड सॉरी क्या लिखा है? ओल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड। इसमें ये होगा टोबैको, कोका, रबर। अब कैसे करेंगे? कॉटन क्या है? इंडस सिविलाइजेशन का भी है। कॉटन दो में है, जिसमें कॉटन है वो नहीं, फिर इसके बाद रबर, काफी, व्हीट। व्हीट की फिर क्या है? एंशियंट मोस्ट है, कहने का मतलब पहले से ही उगाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ए। अब देखो 21 क्वेश्चन आपने किया, अगर आप बेसिक थोड़ी सी रोक रहे हैं आपको, अगर बेसिक प्रिपरेशन आपकी हो रही है, बेसिक प्रिपरेशन ही ओरिजिनल होती है, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, तो इसमें कम से कम 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के कारण वो राइट और रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लायन इज अ नेचुरली फाउंड इन इंडिया। करेक्ट ओनली। डबल हम्ड कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। रॉन्ग। ये बैक्टीरियंस भी हैं। एंड वर्न हार राइनोसेरस नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नॉट। सब कॉन्टिनेंट में भी पाए जाते, भूटान में भी है, इधर भी है, ठीक ना? तो आंसर इज करेक्ट ओनली वन। ठीक, राइनोसेरस वन
एक सिंह वाला एक अधिकतर स्टूडेंट ने क्या किया, असम को मार कर लगा दिया। लेकिन सोचो उनको बांध नहीं सकते हो, ये भूटान की तरफ भी है, नेपाल में भी है, हाँ तो सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। चले नेक्स्ट, पंधरपुर इज डी, आंसर क्या हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विद इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर सिचुएटेड इन विच स्टेट, इन विच हिल, किस पहाड़ी में है, कार्डमम पहाड़ियों में। कितने हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है, 18। तो उसमें क्या हुआ, सबसे साउथ में, एक तरह मेनलैंड का सबसे क्या हुआ, साउथ अनमोस्ट, मैंने सबसे दक्षिण में हो गया। अगस्त्यमलाई कार्डमम हिल्स का भाग है, इसके पास में एक प्लेस है महेंद्रगिरी, नोन फॉर द क्रायोजेनिक इंजन, वहां पर डेवलप किए जाते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो इसमें आंसर क्या होगा, फर्स्ट। कौन कौन से इसमें हैं, नेयार, पेपरा, सुरदेन, कलाकड़, मधुथुराई, बाघ रिजर्व, सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, करेक्ट। सम स्पीसीज ऑफ फिशेज आर हर्बीवोरस इज करेक्ट। सम स्पीसीज ऑफ मैरिन मैमल आर हर्बीवोरस, करेक्ट। एंड सम स्पीसीज ऑफ स्नेक आर विविपैरस, जो अंडे की जगह बच्चे देते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण रेटल स्नेक है, जो अफ्रीका में भी पाया जाता है रेटल स्नेक। और कौन सा स्नेक यानी सर्प घोंसला बनाता है, किंग कोबरा, जूलॉजिकल नेम इज नाजा नाजा, कईयों को पता है जूलॉजिकल नेम क्या है किंग कोबरा का, नाजा नाजा, देखो तो क्या बोलो, नाजा। एंड जो पॉइजन होता है स्नेक का, वो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन भी होगा, हीमोटॉक्सिन भी होगा, बाई नेचर प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है, कलर गोल्डन। अभी कुछ को करवाने तो करवाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट्स, ब्लू फाइन मछली, सर 28 छूट गया क्या, अभी 28 का डी होगा आंसर, हाँ चारों सही है, बोल दिया। ब्लू फिन मसेल, ये देखा है किसी ने, मछली होती है स्वादिष्ट होती है, खाया कभी, नहीं खाया। कौन कौन मछली खाते हैं, बस एक खाते हैं, दो लोग, कौन सी मछली, चलो कोई बात नहीं। ब्लू फिन मसेल, कावेरी रिवर, करेक्ट। इरावदी डॉल्फिन इज अ मैरीन डॉल्फिन, तो ये चंबल में है नहीं। रस्टी स्पॉट कैट फाउंड इन ईस्टर्न घाट एज वेल इंडिया एंड श्रीलंका बोथ। तो क्वेश्चन में आंसर क्या हुआ, 1 and 3 इज आर राइट। सी, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबेड्स दैट आर रिलीज इन टू इन्वायरमेंट, they are considered to harmful marine ecosystem, this type of microbes type of solid plastic microparticle less than 1 millimeter, जो किससे liberate होते हैं, हमारे जो अभी cosmetics के समान है इससे भी आते हैं, जो आप काजल लगाते हो, lipstick लगाते हो, cream लगाते हो, सब में है। तो अब समझ जाओ इतना परेशान करोगे इन्वायरमेंट को, अभी तो काफी खतरनाक न्यूज आ रही है। तो ये क्या हो गया, दे आर हार्मफुल कंसीडर टू द एक्वाटिक एनिमल एंड मैरीन इकोसिस्टम, आंसर इज ए। ये पेपर में थे सब, सब न्यूज पेपर में आ चुके हैं, अगर 1 year का कोई भी अगर अच्छा स्टैंडर्ड न्यूज पेपर देखो है,
नेक्स्ट रिसेंटली देयर वाज द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस हिमालयन नेटल, जिसे कहते हैं हिमालयी बिछुआ, ये प्लांट है बिकॉज द फाउंड बी द सस्टेनेबल सोर्स ऑफ क्या है टेक्सटाइल फाइबर. आंसर डी. कई लोगों ने गलतियां की हैं इस पर, ये काफी चर्चा में. उत्तराखंड हिमालय, उत्तराखंड हिमाचल और नेपाल में भी पाया जाता है. नेक्स्ट नहीं स्पीसीज चाहिए ना, जीनस और स्पीसीज दोनों लेकर चलेंगे तब होगा, ये चर्चा में भी है अभी. नेक्स्ट फॉर द मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डेटा ऑल ऑफ दीज रिमोट सेंसिंग ऑल ऑफ दीज यानी आंसर आर 1, 2, 3. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट तो नंबर वन पर है. क्या है एक क्रोपिटल आर्डर है, कम से ज्यादा की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ है, एसेंडिंग ऑर्डर है, कम से ज्यादा की हो चढ़ते हुए क्रम. यहां गलतियां किसने की है, इसका मतलब एसेंडिंग और डिसेंडिंग में बहुत गलती है. किसने गलत किया, गलत कर दिया. ये जो अक्सर मैं बोलता हूं 90% में 3, 2, 4, 1 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से परसेंटेज पूछा एरिया नहीं. उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एरिया ज्यादा है ठीक. देन फोर्थ इज ओडिशा एंड फर्स्ट इज छत्तीसगढ़. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन, 1, 2, 3 तीनों सही है. कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द रिलीज इन टू द एटमोस्फियर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्राफ्ट बायोमास. पराली काफी हीट थी, पराली काफी हीट थी. पराली सब जानते हो क्या होती है, नहीं जानते. पराली रेजिडुअल पार्ट ऑफ पैडी प्लांट, जो हरियाणा में बोला गया ना पराली जलाते हैं तो आते हैं, तो उससे आ गया. तो ऑल ऑफ दीज सब कैसे है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड. ओजोन रिकॉग्नाइज्ड बाय अवर सैटेलाइट्स, ये सब सॉरी फरवरी के सारे पेपर्स में था. हमारे सैटेलाइट्स ने ओजोन को भी कंसीडर किया है, किसमें से, जो पराली जलाई गई. पराली मतलब पराली समझ रहे हो, धान होता है चावल उसकी स्टेर. नेक्स्ट वन 36 प्योर ज्योग्राफी, और किसी का गलत नहीं होना चाहिए. निखत अगर एग्जाम देते तो सही हो जाते ये क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, हिंदी वाले देख लो. एडियाटिक सी, अल्बानिया कैपिटल, कैपिटल ऑफ अल्बानिया तिराना. ब्लैक सी क्रोएशिया नहीं होगा. कैस्पियन कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान. कैस्पियन सी सराउंडेड बाय 5 कंट्रीज, मेडिटेरियन मोरक्को एंड रेड सी सीरिया. नो. तो 1, 3, 4 आंसर आर करेक्ट. Among the following, which one of the largest exporter of rice in the world in last 5 years? In last 5 years, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों में के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? Of course, India. एंड सारे ज्योग्राफी चल रही है अभी. एंड नेक्स्ट ग्लेशियर रिवर्स, ये सारे करवाए गए हैं, कुछ को तो अभी लिखवाया.
बंदर पूंछ, बंदर पूंछ पिक है एंड ग्लेशियर भी है, जहां से क्या निकलती है यमुना। बारासिंग चेनाब करेक्ट, मिलाम नहीं, मिलाम मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी जो है चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, वहां नोट कर लो ना हो तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम चोराबारी ग्लेशियर इन उत्तराखंड, नुब्रा वैली इन सियाचिन, एंड जेमू, नो जेमू, जेमू कहां से आएगा, सिक्किम में, ये भूटान से आ रही है मानस, संकोच दूसरा नाम करवाया था ना, कौन कौन सी, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ब्रह्मपुत्रा, सुबनसिरी, केमांग, मानस, मारा मानस, अमो, कालजानी, तिस्ता और दादर, तो ये तो कहां से आएंगी। चलो इसमें ले लिया आंसर, क्या आपके पास आ गया 1, 2, 4 यानी करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, कुछ गैसेज दी गई हैं आपके पास, एंड नेम इज द कार्बोफ्यूरिन, मेथिल पायरेथीन, 4-8 ट्राइजिन, खूब आम खा रहे हो उस समय, सारी यूज की जाती हैं, फ्रूट राइपनिंग एजेंट हैं, अभी तो नेचुरली राइपन मैंगो आएगा नहीं, अभी तो बारिश के बाद आता है, लेकिन सब की जाती है। नेक्स्ट, ये काफी लंबा क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे नहीं, इसमें आंसर इज ओनली 3 यानी सी, ये क्या होगा 39 का सी एंड 40 का सी, फोर्टी का सी एंड फोर्टी का भी सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्रीकल्चरल सोयर रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, करेक्ट। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, करेक्ट। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू नाइप, आल्सो करेक्ट। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट, लेकिन कैसे रिलीज करते हैं। चलो नेक्स्ट, अलियार, ईसापुर एंड कंगास बस्ती, बोथ आर वाटर रिजर्वायर्स, सॉरी ऑल थ्री वाटर रिजर्वायर, अल कहां पर है ये, पेनगंगा का है महाराष्ट्र में पहला ईसापुर, और वाटर रिजर्वायर केरला का कौन है, अलियार, और दूसरा वेस्ट बंगाल कसाई रिवर, यू नो अबाउट कसाई रिवर, कितने जानते हैं कसाई रिवर, कसाई रिवर किसकी सहायक, हुगली की, हुगली किसकी सहायक, गंगा की, नहीं गंगा की ट्राइब्यूटरी होगी, ब्रांच सहायक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन कंप्रेस नेचुरल गैस, सेकेंड ऑप्शन क्या, कैटल रिलीज अमोनिया, हाँ बाय यूरिन, हाँ नहीं नहीं, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, अमोनिया यूरिया दोनों रिलीज करते हैं हम लोग, अमोनिया करते हैं, हाँ हाँ कौन से, कौन यूरिकोटेलिक होता है, ह्यूमन होते हैं कैटिल्स, कैटिल्स नहीं, अमोनिया तो रिलीज करते हैं वो, उसमें अमोनिया भी होता है, रिएक्ट कर, जैसे आप कहीं भी यूरिन डिस्चार्ज करते हैं उसमें से अमोनिया निकलती है, जो नहीं तो खाद बनाने कहाँ बात हो गई, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा होगा, हाँ
वो फर्टिलाइजर थोड़ा बनाएंगे हर, जो अब यूरिन डिस्चार्ज करते हो जहां पर देखो होते हैं बाथरूम्स वगैरह, वहां कितनी तेज होती है इसकी गंध, जो स्मेल होती है काफी क्या होती है, तीक्ष्ण जिसे कहते हैं। तो ऐसे थोड़ा की खाद को लेकर खाद बना रिलीज करते हैं। नेक्स्ट वाटर हो गया, फिर इसके बाद है कंप्रेस नेचुरल गैसेस, सॉरी कंप्रेस्ड हाइड्रोजन कंप्रेस नेचुरल गैस, इसमें 2-3 सही होगा। बी वाई आर द ड्यू ड्रॉप नॉट फॉर्म ऑन द क्लाउडी नाइट, जिनको टेम्परेचर इन्वर्जन कराया है सब बताएंगे। आइडियल कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन, आंसर इज बी। चलो लगाओ। इसके बाद अब आ गए हम जुडिशरी की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। रॉन्ग। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या दिया, स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बींग द वायलेटिंग द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये उस समय हुआ था जब NJAC का गठन हुआ था, कब, 2014 में। इसको क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो आंसर क्या हुआ, करेक्ट क्या होगा, टू, ओनली टू। 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटिंग कमीशन, अपॉइंटमेंट कमीशन को क्या किया गया था, फॉर्मेट किया गया था, इसको क्या किया उसने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। एंड 46 क्वेश्चन क्या है, 46, काफी लंबा है, इसमें आंसर 3 और 4 ओनली, इनको पढ़ लेंगे आप एक बार। एंड द 9 शेड्यूल्स ऑफ इंट्रोड्यूस 10 मई 1951 एट द टाइम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, कब इंट्रोड्यूस किया गया, 10 मई 1951 को। यूपीएससी आप पर काफी मेहरबान है, इस पेपर में काफी क्लासिकल पेपर है, अगर अच्छी पढ़ाई कर लो ना तो काफी क्लासिकल पेपर है। कुछ भी नहीं छोटा, किसी को शिकायत नहीं, महागठबंधन है ये। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द श्रीमती गांधी, नाउ कोल ब्लॉक आर एलोकेटेड लॉटरी बेसिस डोंग, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्ट कोल मिट टू द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशियंट इन कोल प्रोडक्शन। नो, अभी 2018 में इन्होंने 18.27 मिलियन टन को क्या किया, इम्पोर्ट किया है। तो आंसर इज ओनली वन, आपका उत्तर क्या हुआ, सिर्फ एक। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें एक दो दोनों लगा लो, ठीक। 49 का ए होगा। अभी थर्ड के लिए कुछ बातें हुई थी 2-3 दिनों में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर जया प्रदा जी ने लगाया था आरोप, जो सांसद जीत कर आए हैं बरेली वाले, नाम क्या उनका, चलो 50 को देखें, फिफ्थ शेड्यूल। अंडर द विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर टू ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी ऑफ माइनिंग टू बी डिक्लेयर नल एंड वाइट, क्या हो गया, शेड्यूल फिफ्थ। देन इसके बाद क्वेश्चन है आपका, फिफ्टी वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। अभी हमारे पास इस ग्रुप में 75 ट्राइब्स हैं, ठीक, इसमें आंसर होगा 1, 2, 4, 1, 2, 4,
75 हैं, अब इसमें क्या दिया 95, एंड द क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 काफी रिलेवेंसियस था, 52। तो आप आर्टिकल अगर 142 जानते हैं तो आंसर क्या होगा, बी, ओनली बी, सॉरी बी, बी, बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर डॉग होता है, बी फॉर बॉम्बे, डॉगी भी हो सकती है। विथ रिफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओनली वन, ए, पेपर सबके पास है ना, इसके बाद 54, क्वेश्चन बी, 54, 53 बी, सॉरी ए होगा, ओनली वन, रूढ़िगत का मतलब क्या होता है, परंपरा है क्या चीज, उसको एक बार और देखना, क्वेश्चन नंबर, चलो इसको देखते हैं 53 को, 53 देखते हैं इसको अभी, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। चलो नेक्स्ट देखो, 54, 54 इसमें सी लगाओ, 55 बी, 54 का सी, 55 बी, बी ये हो गया। फिर इसके बाद 56 देखो, बताएंगे अभी, रुक जाओ, कर लो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस, 21, आर्टिकल 21, इसके बाद 57, गलत हुआ किसी का ये, क्या उत्तर होगा इसमें, उसमें वो तो 21 होगा, 57 का क्या होगा देखो, फिफ्टी सेवन ओनली थ्री, हाँ सी, सी ओनली थ्री क्या होगा, सी, 58, 1, 2 बोथ सी करो, 59 डी, 59 क्या होगा, डी, सिक्सटी इंडस्ट्रियल, एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग आर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018, 1, 2 बोथ एंड सी,
उत्तर क्या होगा सी, ये सारे फैक्ट्स हैं। 61 सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम, कब शुरू की गई? 1989 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया एंड सब रूरल सब अर्बन एरिया। 62 क्वेश्चन मिलाते जाओ। 62 पढ़ लिया क्वेश्चन 62 1 and 3 63 मोस्ट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट गवर्नमेंट इंडेबटेड, सही है, और ऑल इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट डोमिनेटेड यूएस डॉलर, दोनों सही है सी। इसके बाद 64 डिप नहीं तो डोमिनेट कर रहा है ना, डॉलर डोमिनेट करेगा है तो युआन में भी होगा लेकिन डोमिनेट करेगा, कहने का मतलब अधिकतर जो पेमेंट हुआ वो किस में करेंगे हम, डॉलर में। एंड 64 डिपॉजिट ये जो बुकलेट आपको प्रोवाइड करेगी कौन सी है, ए सीरीज है, ध्यान रखना, अगर किसी के पास ए होगा तो उससे मिलाना, किसी का डी सी होगा तो इधर उधर थोड़ा फेर बदल करेंगे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये ए सीरीज है। इसके बाद ले लो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कंट्रीब्यूटर रिड्यूसिंग द रिस्क करेंसी क्राइसिस, इसमें 1 तथा 3 1, 3 हो गया। और 66 काफी फेवरेट है, सरकारिया कमीशन 1983 गलत हो गया, ये सरकारिया कमीशन 67 पार्टिसिपेटरी नोट, 68 ओनली वन, 68 में क्या होगा आंसर ए होगा, कौन सा पेपर, पेपर किसी दूसरे का है। सिक्सटी एट का ओनली वन लगाओ, ए आंसर इज ए, 69 का आंसर ए, 670 का ए 1 and 2 एंड 70 में आंसर करेक्ट होगा 1 and 2 ए ए चल रहा है 3 का, 68 का ए मिला लो फिर से, 69 का ए और 70 का भी ए होगा। हाँ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सेवेंटी वन का क्या होगा, क्या लगाया आप लोगों ने उर्मी, क्या लगाया, ओनली ए, हाँ वेरी गुड 1 देन 72 डी टू एम एट फास्टर रेजुलेशन स्ट्रेस असिस्ट ऑफ द रुपीज 50 crore आर मोर विच आर अंडर कंस्टोडियम लीडिंग एंड द 73 ए, फिर पी एन जी बी आर
इसमें ले लो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 74, क्वेश्चन नंबर 74, 2 and 3. एंड साइंस टेक्स से क्वेश्चन है, बोल्ट वायस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, डी होगा, डी फॉर डॉग, नीदर वन नॉर टू. ये 4G से है. हाँ, एंड क्वेश्चन नंबर 76, थोड़ा मिस प्रिंट है क्या इसमें, 76 इज, हाँ इसमें जो है ओनली 3 होगा. हाँ ओनली 3 मतलब सी. इसमें 26 वीक है, 26 वीक कर दिया गया था, तो इसमें क्या होगा, आंसर इज ओनली 3 एंड सी, आंसर इज 3 सी. इसके बाद मेंटेनेंस लॉ और ऑर्डर, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर 77 में आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. ये तो फैक्ट है पूरे. इसके बाद 78 सी होगा, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011. 79 इकोनॉमिक कास्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड द बोनस इफ एनी पेड द फार्मर प्लस ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ओनली नो, इंटरेस्ट कास्ट ओनली नो, प्रोक्योरमेंट क्या दिया है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट. उत्तर सी होगा. आंसर क्या हुआ, सी. पहले इसको डी किया गया था लेकिन ये सी है. आंसर क्या होगा, सी. पहले डी कर दिया था मैंने लेकिन सी है ये. क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया है, चलो हिंदी में पढ़ दे रहे, हिंदी वाले देख रहे हैं आराम से. किसी भी देश में, देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा. ये ज्योग्राफी ऑप्शन वाले तो सोशल कैपिटल करवाया भी गया होगा, तो आंसर क्या होगा, डी होगा. अक्सर क्लास में आपसे बातें होती है, हर क्लास में, कि इतनी प्रिपरेशन या पढ़ाई क्यों करते हो, तो बोलते हो पैसा कमाएंगे, उसको कमा कर क्या करोगे, एक सामाजिक प्राणी बनोगे तो समाज के लिए कुछ करना है, तो ये सोशल कैपिटल आपको क्या करना है, जो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की बात की गई थी वही करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी. गलत है, होगी. आर्टिकल 227 याद है क्या किसी को, यानी 227. भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय प्रश्न नहीं उठा सकता. भी उठाया तो 99 में, तो दोनों ही गलत है. द आंसर इज डी. एंड द 82 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्रय समता परचेजिंग पैरिटी विनिमय दर की गणना विभिन्न देशों के एक समान वस्तु और सेवाओं के मूल्यों की तुलना की जाती है. ठीक, ये तो ठीक है. पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, तीसरी है, तो ओनली वन, तीसरी है.
ये जो अभी क्वेश्चन इकोनॉमिक करंट के चल रहा है ना, अगर गलत करके आए हो तो राहुल आप लोगों से बात करेंगे। गलत नहीं ना हुआ? नहीं हुए हैं, चलो ठीक है। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ये तो सारे कर लेंगे। ज्वार खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की तुलना में अधिक है, गलत है ये तो। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती की क्षेत्र की तुलना में अधिक है, सही है। गन्ने की खेती के अंतर्गत नियंत्रण क्षेत्र घट रहा है, बढ़ा गया, घट नहीं रही है। तो 1 और 3 सही होना चाहिए। उत्तर होगा 1 और 3 यानी ए। एंड नेक्स्ट, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? वेजिटेबल ऑयल, ऐसे भी है, मसाले करोगे नहीं। हम फ्रूट में नंबर 1 है, पल्सेज में भी नंबर 1 है, लेकिन मिलती नहीं। स्पाइसेस में नंबर तो शुरू से रहे हैं, नाम सुना है एवन प्रिय, किसको बोलते हैं, काली मिर्च, ब्लैक पेपर को। और फ्रेश फ्रूट में है, पल्सेज में नंबर 1 है, लेकिन लोगों को मिलती नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा आयात हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल आयात। नेक्स्ट 85, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ लिबर्टी? डी होगा, किस आधार पर? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। लिबर्टी का मतलब अपने आप को पूरा विकसित करो, दूसरों को नहीं। एब्सोल्यूट आंसर इज बी। चलो एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को कि नियंत्रण का अभाव हो। चलो इसको भी देखते हैं, हमारे समय से तो ये होना चाहिए। ये फिलोसफिकल टर्म है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं इसको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 था ये ना, और डी लगा हुआ है कहां से? इसको तो फ्रीडम, वैसे एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब भी होता है फ्रीडम। अब ये मामला दोनों की यूपीएससी किस पर वेटेज दे रही है वो देखना पड़ेगा। बी डी, हाँ अब देखो यूपीएससी क्या कर लेती है। 5 क्वेश्चन तो मानकर चलो कि अप्स एंड डाउन रहेंगे आपके इस सोल्यूशन से, ये नहीं कि डिटेल कर दिया जाए कि हमारा सारा सही है। 5 क्वेश्चन ये मानकर चलो, 5 नहीं तो 4 तो मान के चलना, और वहाँ आरपीएससी नहीं है कि आप कोर्ट में जाओगे। चलो नेक्स्ट ले लो, इसमें ले लो 86 में, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? डी, इसके बाद 87 में ओनली वन
ए लगा लो, इसके बाद 88 यूरोप यूनियन, हा सी 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 होगा, सही हो गया क्या तुम्हारा? चलो नहीं, यूरोप यूनियन 16 एंड 89 रसिया, 90 में बी कर लो, 90 बी, एंड क्वेश्चन नंबर 91 में आप कर लेंगे, 3 और 4 ऑप्शन सही इसमें, और ये 92 तो काफी जोरों से था कुछ समय, अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, और ऐसे अगर पूछा जाए कि अर्ली ह्यूमन स्पीसीज कौन थी तो डायोपिथेकस, और डायोपिथेकस के बाद आया था होमो इरेक्टस, लेकिन ये नया नाम ऐड किया हो गया कि कभी कभी मेंशन किया गया। इसके बाद 93 में ए कर लो, इनकरेक्ट है ये, फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइन सेगमेंट डीएनए टेकन फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डीएनए कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस। डीएनए की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये तो ऐसे क्या चीज, वाटसन क्रिक तो डीएनए का किया था, खोज नहीं किया था, मॉडल दिया था। उसके साथ दो और थे, बताओ, वाटसन क्रिक ही नहीं था, बताओ, वाटसन क्रिक के साथ और कौन कौन था मनीषा? वाटसन क्रिक तो मेन थे, लेकिन दो जो मॉडल बनाए थे बेसिकली फ्रैंकलिन था और विल्किंस था। चलो चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर में क्या होगा? इसमें आंसर अब बी करेंगे, 94, हाँ बी कर लो, 95, 1, 2, 3 आरएनए इंटरफेरेंस में लगा लेना, 1, 2, 4 ये जब अभी साइंस टेक कुछ को करवाने जब करवाएंगे सारे आ जाएंगे। 95 में 1, 2, 3 था ना, 96 में 1, 2, 4 और 97 तो सब जानते हो बी होगा, ग्रेविटेशनल वेव्स। 98 एक मिनट 93 एक मिनट रुक जाना, 98 थोड़ा सा इसमें, चलो अभी तो इसमें 1, 2 करो, 99 ए और 100 बी। अब देखो जिन लोगों ने दिया था इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन अप डाउन आप मानेंगे, और अगर आपके पास ये रैंक आ रही है इन जनरल, जनरल कैटेगरी में अगर आप
95 से 105 स्कोर कर रहे हो तो आप मेंस के लिए सीरियस हो जाएं। जिन बच्चों का मान लो 90 हो वो भी तैयारी करें। जनरल की बात हो रही है, ओबीसी एससी एसटी या जो रिजर्व कैटेगरी उनका क्या होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन के पैटर्न को आपने देख लिया, जो क्लास में आपसे अक्सर बात होती है, पर्टिकुलर मेरी बातें होती है कि एक तो आपके पास बहुत बड़ा बाजार है, उस बाजार में लटकना चाहते हो। हैंगिंग टुगेदरनेस एक थियरी दिया था रीटर ने कि साथ साथ लटकना, जैसे आपका फ्रेंड हो, कोई मैगजीन लेकर आया, कोई मोटी सी गाइड लेकर आया, उसके पीछे उसके साथ आपने लटक लिया, तो वो क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आराम से जो आपको यहाँ से डिक्लेयर कर दिया गया कि ये पढ़ना है, आपके पास बेसिक किताबें हैं, इसके बाद कुछ फंडामेंटल बुक्स हैं इनसे रिलेटेड, देन आपके पास मैगजीन है। मैगजीन में जैसे बताया गया कि योजना और कुरुक्षेत्र, ठीक, और एक न्यूज़पेपर, कोई भी आप न्यूज़पेपर ले लो जो अच्छा है, जो मीडियम आपके पास है हिंदी और इंग्लिश उसके अनुसार लो, उसका अध्ययन करो। साथ में आपको क्या करना है कि जो न्यूज़ चैनल हमारे पास हैं गवर्नमेंट के, उनके ऊपर बेस होना। अगर पूरे एक वर्ष तक ऐसे कर रहे हो और आप में 4-5 कैपेबिलिटी और हो, इधर ध्यान दो, 4-5 कैपेबिलिटी आपको विकसित करना है, जो अक्सर क्लास में आपसे बोली गई है कि ये जो, अगर मान लो इसको हम एक ग्राफ से दिखाने की कोशिश करें और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, IAS एंड सिविल सर्वेंट, तो रिक्वायरमेंट आपके पास क्या, आपके पास रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में क्या हो गया, जो बुक्स हैं नोट्स हैं। आपको पहला जो ब्लॉक बनेगा यहां पर याद आ रहा है, हाउ टू रीड, शुरू में कि कैसे आपको पढ़ना है। अगर ये आप सीख लेते हो तो यहां से आप टेक ऑफ करोगे। देन इसके बाद हाउ टू लर्न, सीखोगे कैसे, सीखना है, पढ़ने के बाद सीखना है, रटना नहीं है, और सीखना किसके अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ यूपीएससी या उसकी जो डिमांड है। जैसे ही बहुत से स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, सारे फैक्ट रटते चले गए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, गुप्ताज को पढ़ रहे हो, सल्तनत पढ़ रहे हो, तो वहां से हमें देखना है वहां से हमने क्या लिया। फैक्ट के साथ साथ हमें फैक्ट्स के साथ साथ क्या करना है, उनका इवेल्युएशन करना है कि जो कुछ वहां पर हुआ उससे आज की सोसाइटी में क्या अंतर आ रहा है, क्या हमारे पास चैलेंजेज आए, क्या उनका कुछ यूज करके हम कर सकते हैं क्या। जैसे आ जाए डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट पीरियड, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो हम करेंगे कहाँ से, पैलियोलिथिक एज से। तो वहाँ से हमें पढ़ना कि टेक्नोलॉजी कैसे गई आगे, सोशल इश्यूज आ गया, पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कब से बनने लगे और ऑर्गेनाइजेशन के पीछे मेन कॉज क्या था, वो आज भी है लेकिन उसका क्या है, मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये सीखना है आपको। इसके बाद थर्ड जो पार्ट है आपका, जो आपके लिए सरदर्द बनता है, हाउ टू रिमेंबर, याद कैसे रखोगे। तो ये कर लिया,
अब इसके बाद फोर्थ लेवल है आपका, जो शायद 20 सितंबर में उसका परीक्षण करोगे आप, हाउ टू राइट, लिखना कैसे। और 5 नंबर पर आप जाओगे, जो शायद अच्छा कर लिया, तो हाउ टू स्पीक, बोलना क्या है। अगर ये 5 प्रोसेस अपने जहन में आपने रख लिया है और इस पर वर्क कर रहे हो, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप असफल हो जाओ। लेकिन इनमें मैनर क्या होता, अलग अलग। जिसे कहा गया, कई जगह फोबिया होती है कि हमने इनसे पढ़ा, हमने वहीं से पढ़ा, इतनी क्लासेस चल रही, उतना चल रहा है, कोर्स कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी बातें। लेकिन सवाल है कि क्वालिटी आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, किस तरह से करोगे। तो हाउ टू रीड, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस हिसाब से। फिर लर्न कैसे करोगे, या याद नहीं करना, सीखना है। और सीख आपकी वैसी होनी चाहिए, 3 डायमेंशनल होनी चाहिए। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर लो, उसको लिख भी लो और उसको बोल भी लो। फिर रिमेम्बर करना है हमें, तो रिमेम्बर कैसे होगा, तो कई बार आपकी माइंड की कैपेसिटी में बता चुका हूँ, आपको क्लासिकल वे पर काम करना है। अक्सर मैं बोलता ना वाईफाई सोसाइटी, उन्हें क्लासिकल सब कुछ आप कर लोगे, बस जो आपने यहाँ डिटरमाइन किया उसको करने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि आज हमने डिटरमाइन कर लिया फिर सो गए, जब इतना हो गया तो उसको रिप्रेजेंट करना है बाय मीन्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के द्वारा करोगे, अब आपको सब कुछ आता है लेकिन लिख नहीं पाते हो। और लास्ट में क्या हो गया, स्पीक, तो वहां बोलना क्या है मुझे। अगर इस हिसाब पर काम कर रहे हो, इस मैनर पर, इस पैटर्न पर, तो आपके लिए कोई रास्ता बहुत ज्यादा कठिन नहीं है कि आप वहां नहीं पहुंच पाओगे, पहुंचोगे आप। लेकिन अपने आप से ये सवाल करो, जो आपका सिलेबस है, जैसे कह दिया गया, अक्सर इसको हमने नाम क्या दिया था, याद होगा ना, 2+9+1। 1 मतलब प्रीलिम्स के 2 पेपर, मेंस के 9 पेपर, और एक लास्ट में आएगा ये, इन पर हमें काम करना है। तो अगर प्राइमरी लेवल से इस पर हम काम कर रहे हैं, तो एकदम जैसे क्लासिकल वे से काम करो कि ये हमने पढ़ा, इंडस सिविलाइजेशन पढ़ा, तो इंडस सिविलाइजेशन को याद करने के लिए हर फैक्ट को, हर कॉन्सेप्ट कितने दिन चाहिए आपको, बताओ। जस्ट अ डे। कितने घंटे चाहिए, 10 आवर्स, यानी एक दिन। एक दिन अगर आपने उसको दे दिया, तो उसके एवरी एंड ईच पार्ट जो भी उसका है, हमारी भाषा में अगर बायोलॉजिकली मारो तो उसका डिसेक्शन कर दिया आपने, एक एक पॉइंट को। फिर लेकिन उसको लर्न और रिमेम्बर इस आधार पर करो कि जिंदगी में फिर तो आपको दोबारा कॉपी उठानी ना पड़े। लर्न करना है, सीखना है, और उसको रिमेम्बर कर जाओ। फिर उसको जितनी भी क्वेश्चन बैक ईयर के अगर आए हैं, उस पर हम प्रैक्टिस कर दें। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय सभ्यता के आधार के रूप में सिंधु सभ्यता का बहुत बड़ा महत्व है, यानी इंडस, इसको इंग्लिश में ऐसे कर सकते, इंडस सिविलाइजेशन प्ले की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो कैसे करोगे। तो एक सोसाइटी में होता क्या है, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, सोशल होगा, इकोनॉमिकल होगा, यही होगा और कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, तो तीनों लेवल पर 3 पैराग्राफ में हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या था, किस प्रकार से था, लेकिन वहाँ थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करनी होगी, जो कि यहाँ करवाई जाएगी।
हम खुद करवाएंगे, फैकल्टी करवाएगी, आपसे बात करेगी। अब उसको पूरे को हमें किस कितने वर्ड में समेटने हैं, अंडर जीएस के अंतर्गत 200 शब्द मैक्सिमम। तो अगर इस पर 4-5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं और उसकी फाइल हम बंद करते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं वैदिक पीरियड, तो वहां से क्या आएगा। चलो चूंकि मेन एग्जामिनेशन में इन पर बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चर से है। अगर मेंस में हम जाते हैं, मान लो 57 की बात हो रही है, तो कितना टाइम चाहिए, 4-5 घंटे। आपको तरीका बता दिया गया, करो। साइंस टेक में आ रहे हो, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, एक एक टॉपिक पर इस 5 स्टेज को लेकर चलो, अपने दिमाग में रखो। सबसे पहले उस टॉपिक को रखने के बाद, जब कोई अच्छी चीज आप करने जाते हो तो क्या करते हो सबसे पहले? घर में बहुत अच्छा नया काम होता है तो सबसे पहले क्या होता है? पूजा होती है। कोई बोले कि नहीं हम नास्तिक हैं, यह नास्तिक कौन है? कोई नहीं। इस विश्व में जिसको डर लगता वो नास्तिक है ही नहीं। तो हम हर काम पूजा से करते हैं। तो हर एक नया काम हमने शुरू किया कि आज हमें इंडस सिविलाइजेशन पढ़ना है या फंडामेंटल राइट शुरू करना है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसकी पूजा करो। और 5 आधार किसको हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ते कैसे हो पता है? 99% स्टूडेंट क्या कर रहा है पता है? जैसे वो जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसके पास ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, मजबूरी में तैयारी, मम्मी पापा ने बोल दिया कर लेंगे तैयारी, टेंशन में रहता हमेशा। जब घर में शादी विवाह होता है किसी का, तो कितनी अच्छी तरह से आप काम करते हो। शादी विवाह होने का मतलब कि एक ऑप्शनल चूज करने जा रहे हो, ऑप्शन। जो जीएस के पेपर हैं और हिंदी इंग्लिश के पेपर हैं तो पहले से आपको मिले हुए हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कोई ऑप्शन है क्या? जीएस और हिंदी, सॉरी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, मम्मी पापा हैं क्वालिफाइंग करना, कितना हो गलती करोगे वो बोलेंगे ठीक है इतना कर लिया। जो जीएस फर्स्ट और सेकेंड फोर्थ है ना, थर्ड फोर्थ, ये क्या है, पड़ोसी है आपके, जो कि कभी नहीं हटेंगे, उनमें आप चूज ही नहीं कर सकते हो, वो बार बार परेशान करते हैं। और एस से दूर का रिश्तेदार है, भाई कहीं है ही नहीं है। और जो ऑप्शनल है, जब आप शादी विवाह करते हो तब की बातें हैं, चूज करना होता है आपको। अगर गलत चूज कर लिया तो झेलो, या तो बार बार चेंज करो। जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं, एक बार ऑप्शनल चूज कर लिया, अरे अभी तो हमने हिस्ट्री लिया था, पब्लिक एड वाला टॉप किया, अब पब्लिक एड ले लेते हैं, उसके तो भगवान बचाए। चूज करो एक बार सोचकर। बाय द वे, मान लो उसमें अच्छे स्कोर नहीं हुए, लेकिन जब नया लोगे तो उसमें 100% एफर्ट करना होगा, इसमें से 10% करोगे तो उस लेवल पर।